भाई आप चेयर साफ कर रहे हो, चेयर की सफाई, हैंड्स की भी सफाई कर रहे हो, और आपने तो सर गीला क्यों किया यहाँ पे? ओ माय गॉड, इतनी सफाई, इतनी ज़्यादा देख रहे हो हमारी बेटी गृह कार्य में कितनी पूर्ण है। कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई वाली बंदी है, चेयर को भी इतना पोंछ रही है इसकी हद नहीं। दोस्त मैं क्या बताऊँ, ये बचपन से ही ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा घर के काम बहुत सफाई से करने की ट्राई करती है हम लोगों को देख देख कर। बहुत मेहनत की बहुत। पाओ क्या कर रहे हो बेटा, मम्मा कर देंगे क्लीन, आप रहने दो बेटा। पाही हाँ मम्मा क्लीन कर देगी, आप खड़े हो जाओ। पाही क्लीन कर रही है, पाही की चेयर है। अच्छा पाही की चेयर नहीं कर रही है। हो गया बेटा चेयर साफ हो गई, चलो खड़े हो जाओ आप। पाही क्या कर रहे हो बेटा, पाओ क्या कर रहे हो आप लोग? ये था तो पाही बहुत दिनों से बोल रही थी जल्दी 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 पापा इसको फिक्स कर दो, तो आज तक टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको फिक्स कर देते अच्छे से। हाँ यार ये टेबल यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, कितने दिनों से मैंने कितने प्यार से लिया था कि इसको सोफे के सामने लगाऊंगी, लेकिन यार इसका एक लैग सब कुछ डाल रखा है। देखिए ये इसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट इसको चेक, आज हमारी पाही के चक्कर में तो ये ठीक हो ही रहा है, नहीं तो क्या पता कब ठीक होता है, इसका मुहूर्त कब आने वाला था, आई डोंट नो। ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। चिपक जाएगा उससे? हाँ चिपक जाता है ना, इससे हो जाता है। एक बार आप पहले भी इसका हो चुका ना शायद, एक अरे यार उसने ये टेबल ना बिल्कुल सही नहीं दिया शॉप वाले ने शायद हमें। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये, इतना अच्छा टेबल दिखने में इतना अच्छा था सब कुछ था, बट ये देखो। पता है दोस्तों हमने ऐसे कांच का बड़ा सा टेबल ले लिया था, सेंटर टेबल, और सोचा था कि इसको हॉल में लगाएंगे, लेकिन ये हमेशा ये गेस्ट रूम में ही रखा होता है, क्योंकि ना इसका एक लेग टूट गया है देखिए, और लॉकडाउन की वजह से हम किसी इसको रिपेयर भी नहीं करा पाए किसी को घर में बुला करके। लेकिन आज क्या हुआ ना, पाही बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि कैसे भी करके इसकी लेग को फिक्स करना है फिक्स करना है, तो आज इतना ज़्यादा पीछे पड़ गई कि फिर ये करना ही पड़ा। और टचवुड हमारे पास कांच को चिपकाने वाला एक सॉल्यूशन रखा हुआ था घर पे, तो वो यूज़ आ गया, पक्का इसे चिपक जाएगा ना, ये वही सॉल्यूशन है ना। ट्राई करते हैं, होना तो चाहिए ऐसे, लास्ट टाइम एक बार हुआ था तो मैंने इसमें से कोई एक लैग ठीक किया था, अब देखते हैं। पाही आज से नहीं, पाही कम से कम पिछले 2-3 दिन से बोल रही है पापा इसको प्लीज़ ठीक कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो। हाँ पाही ठीक हो गया। भाई आपको ये लेग्स ठीक करवाना है पापा से? पाही को बड़ी पाही को बड़ी परेशानी हो रही थी, पाही घर में कोई चीज़ इम्परफेक्ट नहीं देखना चाहती, उसको घर में हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, ऐसी बच्ची है पाही। तो भाई हम दोनों पेरेंट्स से थोड़े से लेजी हो जाते, और हाँ क्या हो रहा था, मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा हूँ कि इसको ठीक करता हूँ ठीक करता हूँ ठीक करता हूँ, लेकिन डेली सोचता कि आज रात में पक्का करूँगा, फिर रात में लेट हो जाता, फिर सोचता हूँ कि कल करूँगा कि परसों करूँगा, ऐसे करते करते। पाही मम्मा की तरफ तो देखो, पाही एक बार तो देखो बेटा मम्मा को, पाही बिल्कुल व्यस्त लगी हुई है, बिल्कुल व्यस्त है, बिजी है पापा के साथ काम करने में। बेटा हाँ उसको अभी फिक्स करेंगे ना, वो तो फिक्स है ऑलरेडी, पापा निकाल देंगे आपको, वो आपके लिए हो गया फिक्स कर दिया आपने? फिक्स कर दिया है मैंने, देखते हैं अब इसको इसको ना अभी पूरे ओवरनाइट रहने देना है, ठीक है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, प्रेयर करो कि ये ठीक हो जाए, और देखते हैं अभी अभी यार लॉकडाउन है नहीं तो अपन किसी को बुला लेते थे, बट अभी देखते पूरे ओवरनाइट इसको रहने दो। और वैसे मुझे लग तो रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि कांच चिपकाने वाले सॉल्यूशन से तो हो ही जाता है ना लगभग, यार एक काम चल जाए बस थोड़े दिन जैसे तैसे, फिर बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे, चल जाएगा क्योंकि पूरा टेबल इतना अच्छा है यार, और एक इसका एक पैर इसकी एक टांग ही देखो कैसे टूट गई। बेचारा हमारा टेबल, क्या होगा इसका क्या पता, देखते ना, हो जाएगा चलो, ये सॉल्यूशन अच्छा मिल गया था मुझे, अब इसको नेक्स्ट टाइम पे रखता हूँ, अभी इसको अगर कुछ दिखता है तो फिर पाही का एंजॉयमेंट, पाही की खुशी। पाही देखो आपके टेबल का लेग फिक्स हो गया है, हाँ ठीक हो गया, इसको अभी टच नहीं करना है, इसको अब हम लोग कल यूज करेंगे, ओके, तो इसको आज हाँ डोंट टच, नो, अभी आपने उसको बोल दिया ना डोंट टच, तो अब वो टच ही करने वाली, अब ज्यादा करेगी बेटा, अभी इसको ना आप पूरे कल तक इसको टच नहीं करना, ठीक है पाही, अब हमारे टेबल जो है ना उसको टच नहीं करना है आपको, नहीं तो फिर से टूट जाएगा, पाही फ्रूट्स खाओगी, मम्मा को बोल दो मम्मा फ्रूट्स। पाही को ऐसा लग रहा है कि ये टेबल पे बैठ के पता नहीं क्या स्टडी करेगी क्या करेगी।
हाँ यार, मुझे भी इस पे बैठ के, मतलब इस पे बैठ के नहीं, सोफे पे बैठ कर इस पे चाय नाश्ता रख के और मस्त नाश्ता एंजॉय करना है। जमाने बीत गए, बेचारे का पाव टूटा है जब से। और इसकी एक स्टोरी ये भी याद है तुमको कि हम लोगों ने इसको शादी के एक दो महीने के अंदर ही ले लिया था हाँ ना, शादी में इसके एक दो महीने के बाद ही ले लिया था, 1 month के और बाद ही लिया। 1 month के बाद में, और सोफा नहीं लिया था। और हाँ सोफा हमने इसको 8-7-8 साल यूज किया है, जैसे सोफा की वैसे इसका सोफा पैट पलटा भी टूट गया। गया भाई, इसको जलन हो गई। इसको लगा कि तुम लोगों ने मुझे बिना सोफे के यूज किया ना, अब जाओ भाड़ में। अब मैं भी सोफा आने के बाद है। ओह गॉड। चलो कोई नहीं, भगवान करे चिपक जाए बेचारा और इसमें मेरी चाय नाश्ता करने की इच्छा पूरी हो जाए। पाही, और पाही बेचारी लगी उसको तोड़ने में। नहीं बेटा, पाही अभी प्लीज तोड़ना, बेटा अभी पैर तोड़ना, अलग अभी कर तोड़ना, दे। आप जो भी नहीं तो। पाही क्या कर रहे हो? पाही की हैप्पी बर्थडे में जो लाइट वाला बलून लाया था ना, ये बेचारा खराब हो गया हाँ बलून भी। अच्छा फ्रूट्स कट कर दूं क्या आपके हाँ लिए? यार फ्रूट्स कट कर लो। क्या क्या आपके है लिए आज? मैं लीची जूस बना लेती हूँ, हाँ और मस्त वाला रखा है खरबूजा, वो काट के लूँ। हाँ ठीक है, खरबूजा। और पाही के लिए तरबूज होगा तो देख लो, अगर हाँ तरबूज पाही काट लग गई पाही। बेटा बेटा मम्मा को लग गई यार, मत करो ऐसा। तरबूज नहीं यार, तरबूज खत्म हो गया, तरबूज लाना पड़ेगा। ओ जियो मार्ट। आज जियो मार्ट का क्या हुआ? डेली अरे जियो यार मार्ट वाली, जियो आज क्या मार्ट, हो गया जियो मार्ट वाले को? आज जियो मार्ट वाली की फ्रूट्स ही खत्म हो गए। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंगो भी खत्म हो गए। ठीक है ठीक है, कोई चलो। नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी कार्ट के मैं फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है वो कार्ट के आपको मैं लीची का जूस बना के देती हूँ, और हम लोग बाकी फ्रूट्स खाएंगे, ठीक तरबूजा है खाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलेगा। कार्ट में कर हाँ हाँ ठीक ओके। है चलो। सुनो लाइट नहीं तो आप लीची का जूस नहीं बन सकते, तो आप ये पाइनएप्पल काट कर दो। ठीक है काट दो, हम लोग मस्त फलन खा लेंगे, आप ये पाइनएप्पल खा लो। हाँ ठीक है चलेगा। यार जूस अभी नहीं बन सकता है, तो मैं पापा पाइनएप्पल का जूस बना देती या तो लीची का पक्का बना देती, पर लाइट ही नहीं है। ठीक है चलो कहीं। लेकिन यार वो जो तुम काट रहे हो ना, पाइनएप्पल इसको हाँ इसे काटे पूरे निकाल लेना। हाँ आई इसके नो आई काटे पूरे नो, निकाल मुझे लेना पता यार। है आपकी जीत छीन गई थी पिछली बार, हाँ पक्का मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। हाँ और उसमें जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक हल्की सी ठंडक सी लग रही थी, तो मेरे 3 दिन तक मेरे दांतों में उसकी ठंडक लग रही थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, बट मुझे हुआ था। ठीक है, मैं कुछ भी ठीक है खा तो नहीं आप पा मस्त रहा था। करें खा लो। नहीं मैं दोनों खा लूंगा, ट्राई करते ठीक है हैं, ठीक है सही ट्राई करते हैं। अब थोड़े से नखरे तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे। बात है। ठीक है अच्छा लग रहा है ये, काटो काटो। अंधेरा अंधेरा सा तो नहीं लग रहा है? लाइट नहीं तो अंधेरा तो लगने ही वाला है, शाम भी हो चुकी है, शाम को 6:30 बजने वाले हैं। फ्रूट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। सही काटा, अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। काटे तो नहीं आ रहे? नहीं अब नहीं आ रहे।